वैश्य एकता परिषद का दावा, विजय प्रभात और कौशल लड़ेंगे विधानसभा। उत्तर प्रदेश के 106 वैश्य बाउल सीटों टिकट पर अपना दावा वैश्य समाज कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला जातियों के आधार पर भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए। ऐसे में वैश्य समाज के नेताओं ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। वैश्य एकता परिषद के वृंदावन में आयोजित सम्मेलन में ऐसे ही कई प्रस्ताव पारित किए गए। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने रायबरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के 106 वैश्य बहुल सीटों पर राजनीतिक पार्टियों से टिकट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने इस दावे को पूरा करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। प्रारंभ होगी जो उत्तर प्रदेश के वैश्य बहुल क्षेत्रों से होती हुई 16 जनवरी को लखनऊ में इसका समापन रखा गया। वहां जन जागरण और जन चेतना पैदा करने का कार्य करेंगे और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएंगे कि हमारी भी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। इसके साथ ही ये रायबरेली क्षेत्र में भी 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, सदर, हरचंदपुर और ऊंचाहा। यहाँ से भी वैश्य समाज के लोगों को लड़ाने की योजना और दबाव बनाने की योजना कि वैश्य समाज को भी उसकी हिस्सेदारी प्राप्त हो। इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टि का भी हम लोगों ने चयन किया है। उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज के 65 उपवर्ग हैं और पूरे देश में 365 उपवर्ग हैं। इन उपवर्गों को मिला के वैश्य समाज की प्रभावी संख्या है। हम लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे थे उमर, दोसर, अग्रहरी, कमलापुरी, इन समाज के उपवर्गों ने, जिन्होंने सरकार के पास पिछड़े वर्ग के आवेदन किए हुए हैं, उनको पिछड़े वर्ग की सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाए। लगता है कि अब समय आ चुका है और इस विषय को भी हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी GST में जो पंजीकृत व्यापारी है, जिसको 10 लाख की बीमा की राशि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया, लेकिन पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में किस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मांगे तो GST में जो पंजीकृत व्यापारी हैं, कोरोना, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी असाध्य रोग, असाध्य महामारी के कारण जो लोग काल कल्पित हुए हैं, उनको 10 लाख रुपया का बीमा का लाभ प्राप्त किया जाए, उन परिवारों को आर्थिक लाभ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो GST में पंजीकृत नहीं है लेकिन श्रम विभाग में पंजीकृत है, जिनके पास विद्युत विभाग का कॉमर्शियल कनेक्शन है, उनको भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी मांग है जो 2 दिन की साप्ताहिक बंदी निरंतर जारी की जा रही है, उसको समाप्त करके पूर्व की भांति जो 1 दिन की बंदी है उसको उत्तर प्रदेश में लागू की जानी चाहिए। तथा सरकारी अस्पताल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ कोरोना के पेशेंट का इलाज चलता है, वहाँ CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस यात्रा का इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपका, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं वैश्य समाज के? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की आबादी 50% बैकवर्ड की है और 50% बैकवर्ड को टिकट मिलना चाहिए। वैश्य समाज की तमाम जातियां मैं भी बैकवर्ड नहीं आते हैं, तो बैकवर्ड का जो 50% वोटर है तो 50% सीटें बैकवर्ड को मिलनी चाहिए। और रायबरेली से ये बैकवर्ड बाहुल्य विधानसभा है, वैश्य बाहुल है, दो कारण हैं। इस वजह से जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के राय मशवरे से जो है वैश्य समाज के सदर, रायबरेली की सदर की सीट आप देख रहे हैं इतने सालों से जो है एक ही परिवार है, किस अपने समाज के? देखिए, रायबरेली वो धरती है जहाँ पे राजनारायण जी ने
इंदिरा गांधी को हराया था, तो ये तो आम नागरिक को पसंद करने वाली है, न कि इस रायबरेली के जो स्थितियां हैं अगर आप विकास का आकलन करेंगे तो रिंग रोड क्यों नहीं बनी या शहर की हालत इतनी क्यों खराब है। उसका कारण है कि यहाँ के जो भी यहाँ से जो विधायक वगैरह रहे हैं उन्होंने सिर्फ रायबरेली को लूटने का कार्य किया है, यहाँ के विकास को बाधित किया है, स्वयं अपना विकास किया है राजनीति को उपयोग करने के लिए। रायबरेली के विकास उनके दिमाग में कहीं नहीं। 2022 के चुनाव विधानसभा 2022 के चुनाव में भाजपा को किस पावधान पर खड़ा देख रहे हैं? भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 300 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। श्रावण मास के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रायबरेली आने का उद्देश्य क्या है आपका? 5 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 निकालने की योजना को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग रायबरेली में जन जागरण और जन चेतना पैदा करने की दृष्टि से आए हैं। विगत दिवस हम लोगों ने तय किया राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज में राजनीतिक चेतना पैदा हो, इस दृष्टि से 5 दिसंबर से 40 दिन की रथ यात्रा निकाली जाएगी जिसका समापन 16 जनवरी को लखनऊ में करने की योजना बनी है। इस राजनीतिक यात्रा का मूल उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है, लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक उपेक्षा अगर किसी के समाज की हुई है तो है वैश्य समाज। हम लोग इस राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा के माध्यम से राजनीतिक दलों से मांग करने वाले हैं कि आपने एक नारा दिया था जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला, सर्वाधिक रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला, सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला ये वैश्य समाज राजनीति से काफी दूर है, इसको दूर रखा गया है। इसलिए हम लोगों ने मांग की है इन वैश्य बाहुल्य क्षेत्रों से वैश्य समाज को प्राथमिकता से टिकट दिए जाए और इसी आधार पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर में आहूत किया गया है और इसके आधार पर हम पूरे प्रदेश के अधिकांश रोल का है कभी भैया सामने देखिए एक मिनट क्यों मार रहा है?